अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो 110 ते प्रोग्राम लोकां दे दुखड़े ते मैं तुहाडी अपनी होस्ट अनमोल खालिद। होर सुनाओ नाज़रीन, की हाल चाल है तुहाडे? ठीक है ते मैनू ते लगदा तुसी अजकल अपनी होस्ट नूं भुल ही गए हो, क्योंकि तुहानूं पता रमज़ान मुबारक जा रहा है, माशाल्लाह 2-4 रोजे रह गए है ते मैनू लगदा तुसी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ हो गए हो ना शॉपिंग च, ते तुसी हुण मैनू भुल गए हो, मेरा प्रोग्राम भी नहीं देखते होवोगे। ते मैं इन्नी ज़्यादा मसरूफ होने की वजह तो भी मैं थोड़े वास्ते टाइम कढ़नी हाँ, तो तुसी ते मेरे ना बेवफाई कर रहे हो, मैनू नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन आज असी गल करांगे कि ईद की शॉपिंग कैसी जाती पई है, तो उहदे उत्ते डिस्कस करांगे कि रोज़े 2-4 रह गए है तो की सूरत हाल जा रही है, बाजारों की सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है। तो इस हवाले ना प्रोग्राम च मेरे ना मौजूद है अफसाना चौधरी, तो आओ ये गल करने का की कहना है, शॉपिंग वगैरह ने की है बच्चों वास्ते, की सूरत हाल है, महंगाई कितों तक पहुँची है, कितों तक नहीं, आओ सुनने। तनखा कितों मिलनी है, दारे वाले तनखावां कितों देन, जदों किसी साइड तो उन्हां नूं कोई बिजनेस नहीं आना, कोई काम नहीं होना, तो बेचारे कितों अपने वर्करां नूं तनखावां देन। ते बहुत सूरत हाल है, मैं ते बहुत ज़्यादा तंग हाँ इस मौजूदा हुकूमत नूं, बर्बाद ही अल्लाह करे बर्बाद कर छड़िया, महंगाई कितों, इन्नी महंगाई नूं ते अग लगी है, महंगाई ते गल्लां ही दूर दूर करदी पई है, कितों शॉपिंग करनी है, नहीं मिलदी ते तूं कितें, हालात किवें घर दे किवें चलदे ने? बहुत माड़े हालात है मेरे, बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरे घर के अखराजात किवें हुण पूरे होंदे ने? बस घर के अखराजात तो मेरी तनखाह ते नहीं चलते पे, वो तो और भी अल्लाह अलहमदुल्ला और भी फैमिली है, लेकिन मेरे अपने जेडे अपने परसनल मामलात है जेडे मेरे अपने है वो तो मेरी वजह तो है, लेकिन जो अदारे वाले कितों तनखावां दे, उन्होंने कोई कारोबार आए कोई बिजनेस आए तो तनखावां देना, और खाली वो अपने मुलाजमान बिठा के थोड़ी तनखावां देंदे हैं, ये जदों की मौजूदा हुकूमत आई है तो बर्बाद कर छड़े, तो बेड़ा गर्क कर छड़े मुलाजमान का, मुलाजमान तनखावां ही टाइम ते नहीं मिलदी, पहले अलहमदुल्ला साडा अदारा सानू 3-3 महीने एडवांस दे दिंदा सी, हूँ कितों देना। तो मैं इन्नी परेशान हाँ, शॉपिंग करनी है, मैं बाजार ही नहीं जाती पई, पैसा कुछ कोल हो तो बाजार जावा ना, बाजार जाके की करा, लोगों के मुँह देखा। अरे बाजार जाने का फायदा भी की, बाजार तो सारे बंद ने, दुकान बंद है, स्टॉल सारे बंद हुए ने, तो शॉपिंग कितों करनी, जो पैसे होन भी, जो माड़ा बंदा कोई रुपया जोड़ के कितने रखा भी हो तो शॉपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केटें ही सारिया बंद ने। तो भाई इस साल बाद जी ईद आने से लोगों को इन खुशियां हो, इन खुशियां कि भी ईद आ रही है, चूड़ियाँ पानियाँ तो कि ना कपड़े लैने ने, तो पजेबा लैनिया ने, तो जूलरियाँ लैनिया ने, अज कि मरग हुई होंगी है, मरग पिछले साल भी तो मरग ही हुई सी, पिछले साल की सूरत हाल चल रही सी, पिछले साल भी ऐसे तरह रंडी रोना सी। नाज़रीन ये तो भुल गई है पगली, तुहानू ते पता है ना पिछले दिनों च ही सूरत हाल चल रही सी, करोना लॉकडाउन, पुलिस दियां गड्डियां आ गईयां, दुकाना बंद कर दो, शटर थले सुट दो, पिछली ईद ते पिछले रमजान ते ऐसी सूरत हाल चल रही थी जेड़ी हुण चल रही है, तो उस तो बाद कोई हालात बदले है, कित्थों शॉपिंग करिए ये तो पता नहीं, बच्चे वाली गल करनी पई है, तू तो मेरा दिमाग खराब कर रही है, मैं अगे महंगाई दी सताई हां, अनमोल गल ते सुन लै, पाकिस्तान दी सताई हां, तू पता ही नहीं, तू तो इत्थे बैठ के गल्लां सुननी पई है, गल्लां करनी पई है, ते तू कदे बाद हालात ते पिछली दफा पता की होया सी, लॉकडाउन होण दे बावजूद ठीक है ना, लोगों ने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल शॉपिंग कीतिया सी, किवें कीतियां, ਕਸ਼ਟਰ ਅੱਧਾ ਖੋਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਗਣੀਆਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਾਂ ਡਬਲ ਡਬਲ ਰੇਟ ਲੈ ਨੇ, ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਏ। मैं तेनों की अफसाना दसा, मैं इन्नी परेशान हाँ, साढ़े पाकिस्तान के मौजूदा हालात ना बिगड़ते बिगड़ते खराब ही होंगे जाते पे, किसी तरफ नही जा रहे, पिछली दफा लोगों ने कितने आवाम मजबूर है, इन्ने सफेदपोश लोग है, मुस्तहिक लोग है, असि उन्होंने ख्याल रखना है, असं किवें ख्याल रखिए, साढ़े अपना घर के मामले नहीं ठीक हो रहे, घर के स्यापे नहीं चलते पे, उन्होंने असं किवें ख्याल रखिए, की करिए, मैं बहुत परेशान अपनी आवाम का करके। गल तो सुनो, पिछली दफा की होया सी, लोगों ने क्योंकि पता नहीं सी कि लॉकडाउन हो जाए, लोगों ने बतेरे रुपये जोड़े सी ठीक है ना, जोड़ जोड़ के गरीब लोग, तुम्हें पता है अगर 100 रुपये भी कमाने तो पंजी खाते हैं, पंजी बच्चे चलाते तो 50 जोड़ के रखते हैं, वो उन्होंने रख लिया सी पैसा हटते,
ठप हो पे है, मार्केटा बंद हुई है, उन्होंने कितो देना? वो अपने घरों कट कट के अपने कारोबार उते ला रहे, कितो देन? उन्होंने ऐसे गवर्नमेंट ने छड़े ही कासे जोगा नहीं। जो शुरू शुरू लॉकडाउन होया सी ना, तो अमीर जेत लोग से अल्लाह खत्म हो चुके ने, डेढ़ साल अपनी जेब चुकी में बंदा लाए, वो भी बेचारे रो रहे हैं, मार्केट चो कोई रुपया नहीं आ रहा, कोई कारोबार नहीं, गरीब तबका 20 दिन हो गया घरां च बैठे, कोई कुछ नहीं। ते नाजरीन थोड़े की सूरत हाल चल रही है, साड़ी तो बहुत नाजिक सूरत हाल है, साड़े गली महल्ले के हालात एडे खराब है, अहले इलाका इन्ना परेशान है, तुहानू पता है कि डेढ़ साल हो गया कारोबारी लोग घरों पुट पुट के ला रहे हैं, कितों लान और की करन बेचारे, रोन ना पिटन और की करन, कितों राशन देन ओ लोकां नू? अनमोल लोकां नू पता की कीता है, जिन्हां दी मार्केटां बंद हो गईआं ने, ओह हुण फुटपाथ जिहड़े हैगे ना, फुटपाथ दे ते स्टॉल लाए ने। अज मैं गई हां ना अपना टाउन शिप, स्टॉलां नू कहिंदे हत्थ लाए जांदे आ, स्टॉल्स इन्ने महंगे लगे आ, जिहड़ा 350 दा कुर्ता 700 रुपए दा दे रहे आ, लेकिन लोकी मजबूर आ लैण। मेरी भेने मैं कुछ शॉपिंग नहीं की, ना ही मेन तनखाह मिली है, तप लगी गवर्नमेंट इन्ना के अफसोस है, इन्ना के गुस्सा है कि हर पासे साडे रस्ते बंद किए दे, जो सानू कोई कारोबार नहीं आना, कोई पैसा नहीं आना, कित्थों शॉपिंग करिए? साडे भी आखिर कोई रमान है, साल बाद ईद आंदी है, पिछली दफा भी यही जलालत सी, हुन भी यही जलालत सी, असीं किन्नी देर गुरबत च पीसते रहेंगे, किन्नी देर साडी गरीब आवाम पीसती रहेगी? खुदा का खौफ करो, कुछ तो ख्याल कर लो अपनी आवाम का, क्यों मारना है गरीबा नू? इन्हां ने कसम खाधी है कि गरीबा मन, तुम्हें पता है जिस इमरान खान ने कहा तब्दीली आएगी, कोई गरीब बंदा नहीं रहेगा, तो उन्हें की किया? गरीब बंदे मार छड़े, छोटे छोटे बच्चे है बेचारे, उन्होंने की अरमान है? ईद आ रही, असि कपड़े लेने, ईद आ रही असि खिलौने लेने, ईद आ रही असि बाहर जाना है, हर चीज बंद है, ना बंदा बाहर जा सकता, ना बंदा खा सकता, ना बंदा ले सकता है, हर चीज से पाबंदी, हर चीज से लॉकडाउन, की बन रहा पाकिस्तान? मैं तो सोच सोच के बहुत परेशान है, अज मैं बहुत ज्यादा ना तप के प्रोग्राम कर रही हूँ, हुकूमत अगे गुजारिश है कुछ ख्याल कर लो, कुछ ख्याल कर लो, गरीबा का बच्चा का ईद आ रही है, उन्होंने कुछ दो। नहीं तो दूसरी नंबर ते मेरी गवर्नमेंट पता की गल है, उन्होंने तेरे कुछ करने का फायदा, क्योंकि उन्होंने कसम खाधी है बर्बाद करने दी, और कर दे बर्बाद। मजदूर तबका घर च बैठे, हफ्ता इतवार दुकाना बंद, मुकम्मल लॉकडाउन, 16 तक लॉकडाउन लग गया, हुन गरीब कित्थों घर चो पुट पुट के खाए, अगो वरे दा वरा दिन आ रहा है, कोई भैन भरा आ जांदा, की किसे नु खिलाना, की शेड्यूल आ तुहाडा? जदों कि ईद त्यौहार आंदी है ना, ऐ गवर्नमेंट उदों ही लॉकडाउन कर दिंदे, उदों ही मार्केटां बंद कर दिंदे, कोई भैन भरा आ जाएगा उहनू की खिलाना दस? गरीब अपने बच्चे कितों कपड़े लिया के दे? गरीब अपने बच्चे ने गले ना कोटे, उन्हें मारे ना, उन्हें जलाए ना, तो की करे? गरीब आदमी तो किसी ने मिल ही नहीं सकता। और मेरी तेरी तो खैर, अपने छोटे बच्चों का सोचो, अपने छोटे भैन भरावों का सोचो कि किस तरह सामना कर रहे हैं। मेरे बच्चे रोज कहते हैं मामा जी बाजार चलिए, शॉपिंग करिए, रोज बाजार चलिए, मेरे छोटे बहन भाई का भी यही सवाल होता है, मैं किवें समझावां? मैं दस नहीं, आज तनख्वाह मिलेगी, कल मिलेगी, कर लूंगी, लेकिन कोई कसूर नहीं, किसी पास पैसे नहीं आ रहे, कोई रुपया नहीं आ रहा, 15 दिन हो गए, मार्केट बंद, दुकाना बंद, ऐ बंद, वो बंद, की करिए? किन्नी के देर से बर्दाश्त करिए? है तो बदवा लग जाने गरीबा दी, अगर गरीबा नु घर बिठाया तो गरीबा वास्ते कोई पैकेज का ऐलान किया गवर्नमेंट ने, गरीबा नु कोई राशन पहुंचाया? कोई भी नहीं, कोई आप बैठ के खांदे पे, आप बैठ के अंदर बैठ के खांदे पे, इन्ना नु लॉकडाउन नहीं, इन्ना नु कोरोना नहीं, गरीबा वास्ते ही है, गरीबा नु वैसे मारन पे है, पाकिस्तान वैसे बर्बादी तरफ जा रहा है, आज तो बाद गरीब इंसान गलती ना करे, चुप कर नहीं, मैं बड़ा बोल लिया, बस कर, मेरी गल सुनो, खपन की जरूरत नहीं है, अपने गरीब आवाम का बहुत ख्याल है, मैं वास्ते खप रही हूँ, ख्याल है, तो बस रब के दुआ कर, रब आवाम भी कहो
कि तुसी नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, ते रोजे रखो, ते दुआ करो कि यार ताला साडे जे हुकूमत है अल्लाह पाक ते कहंदा है कि तुसी हिला करो ते वसीला करो, कल्लियां दुआवां नाल ते नहीं ना होणा। से आवाम की कर सकदे, आवाम मार भी नहीं सकदे। हां सन्ना की करना फिर बच्चियां दा, तू की करना यार? अड़िए कुछ समझ नहीं आंदी पई। मैं बच्चे बेचारे जिद करते ने कि मामा जी बाजार चलिए, शॉपिंग कराइए। पिछली दफा तो फिर भी थोड़ा बहुत हो गया सी, ते ऐतकी तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उन्होंने कहा कि तुसी चुप कर जाओ, थोड़ा सबर करो, हले के लिए ईद आ गई है। बच्चों को हौसला ही देना ना, और की करना है? हौसला ही दे सकने और की कर सके? तो मैं कह रही हूं कि बोल, इतना गुस्सा ना कर, इतनी टेंशन ना ले। फिर 10 बच्चों को कब तक बंदा जवाब देता रहे? यही तो गल है कब तक। मगर फिर भी साडा हैपर होने नाल या बोलन नाल ज्यादा असि अपने नुकसान करेंगे ना यार। आवाम वास्ते सोच रहे हैं कि साडी हुकूमत दा काम है ना कि गरीब दा सोचे। अगर गरीब नु घर बिठाया तो उन्हें राशन दे, उन्हें कोई पैकेज देवे, ओदे वास्ते कोई रिलीफ दे। यार वो थक चुके ने, दे दे के ना, थक चुके ने। उन्हें जेब च कुछ खजाने खाली हो चुके हैं। मगर जिन जेरे एमपी एमएनए तक लेवल दे लोग ने ना, उन्हें कोई बड़ा रुपया, मगर ए हुन आवाम वल तवज्जो नहीं दे रही। हूँ सिर्फ अपने बच्चों वाल, अपने घर वाल, अपने वाल देखते पे ने। आप ए सी थले बह के आराम कर रहे हैं, गरीबों के बच्चे चल सकता तो रुलते पे ने। इतों के हूँ तो मजदूरी भी नहीं लभदी, इस करके ने मजदूरी लभदी। लोग कहते भाई कोरोना ना हो, दूर दूर ही रहो। बस जी मर रहे हैं, गरीब मर रहे, पीसा जा रहे हैं, गरीब पीसा रहा है। गरीब का ए कसूर है कि गरीब ने वोट क्यों पाया, बस बस और कुछ नहीं है। डंडे मार मार के पिछे कर दे पे ने। मगर पुलिस भी उस तरह मौका दे रही है, सटर थले कर देने, फिर उत्ते कर देने, दो गाक अंदर वार देने। मगर अनमोल मैं मजेदारी नहीं गई, मैं मुतफिक नहीं गई, मेरा दिल मुतमिन नहीं है। क्योंकि पर्दे दे विच की कर रहे ने, तैनूं पता होना चाहिए कि औरत इस तरह जी नीलाम कर रहे हैं। मजबूर औरत जिहड़ियां बेचारियां, उन्हें जो पता कि साडे बच्चे बेचारे रोंदे पे ने, असीं उन्हां वास्ते शॉपिंग करनी, कपड़े लैने ने, वो अंदर वड़ जांदे ने। और तैनूं पता अंदर की होंदा पिया? इन्हां तों खुदा गर्क करे, मेरा बेड़ा गर्क हो जावे। इन्हां दा फड़ के खाना खराब कर छड्डिया, बच्चां दी बदमावां लगनगे इन्हां नूं ते। हाँ बिल्कुल लगनगियां, बिल्कुल लगनगियां। और लगदे भी ने पर असर नहीं होंदा। ठीक है ना, कुछ किसी को अटैक हो रहा है, किसी को फैलज हो रहा है, किसी को बीपी हाई हो रहा है, शुगर हो रहा है। मगर फिर भी ना बिशरम तो ट्रीट लोग ने है, सियासी जिन्ने भी लोग ने ना, अजे दे गवर्नमेंट ए ट्रीट हो गए ने, इन्ना भी नहीं असर। तनु की लगता है, तनु की लगता है कि दो बाद कोई हालात बेहतर होंगे? फायदा की है, बेहतर के होने की फायदा? ऐसे साल बाद तो दिन दिहाड़ आंदा है, महंगाई नु ते अग लगे कर जे दिन दिहाड़ ते नहीं कुछ कर सक रहा, बाद बच्चे नहीं पहुंचने, बाद च अगला नहीं, बाद च की करना है? ऐसे पास तो ते मैं बैठ रही हां कि साडी عوام ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਪਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਰਨੇ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ عوام ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਚਾ ਕਰੋ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ عوام ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੋਲਾਂ ਦੇ ਆਪੇ 1-2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਘਟਿਆ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਘਟਿਆ ਤੋਂ ਘਟਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 200-300 ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 2-800 ਦਾ ਸੂਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਏ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਰਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਘਟਿਆ ਕਪੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੇ ਲੀੜਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਫਰੀ ਦੇ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਦ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ? ਇਸੇ ਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਦ ਕੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਵਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੱਭਨੇ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੈਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਜੁਐਲਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਗੁਰਬਤ ਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਸੋਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਲਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੁਰਤੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਸ਼ਟਲ ਜੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਓਪਨ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਈਦਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਔਰ ਗਮ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਘੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏ ਗਮ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਹਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਈਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਦ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।